हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह मैं उठ गई थी 6 बजे और युगदीप जा चुका है स्कूल। और युगदीप का कमरा का देखिए क्या हाल किया है उसने। आज उसका था ड्राइंग कंपटीशन, तो बकेट नीचे उतार के रखा है। देखिए उसने कितने सारा कलर भी खरीद के रखा है। बच्चों का क्या है ना, बच्चों को कलर बहुत पसंद होते हैं। और बुक वगैरह भी सुबह से बिखार के रखा है, क्योंकि कौन सा बुक, मतलब आज कौन सा डेट है, कौन सा बुक है, कौन सा डे है, वो ऐसा रहता है बच्चों का, तो उसी के हिसाब से बुक लेके जाना रहता है। और युगदीप में उसका बुक वगैरह मैं नहीं ही जमाती हूँ, खुद ही जमाता हूँ। उसको बोलती हूँ बेटा आप खुद करो, ये सब काम आपको करना चाहिए, ऐसा बोलती हूँ तो खुद ही कर लेता है। बट हाँ फ्रेंड, वो बिखार जरूर देता है, बट कोई नहीं, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो बिखार रहा है और कुछ सीख रहा है, तो मैं करने देती हूँ, क्योंकि बच्चों को उनके खुद के काम करने देना चाहिए। जैसे यूनिफॉर्म वगैरह पहनना और हेयर वगैरह का मतलब ठीक करना, तो मैं ये करने देती हूँ, क्योंकि बच्चे को थोड़े मतलब अभी सीखने देने का टाइम है, तो करने देना चाहिए बच्चों को। और कलर देखिए उसके पास कितना सारा है, अगर उसमें से मैं एक भी कलर इधर से उधर कर दूँ ना फ्रेंड, तो मेरे को बहुत चिल्लाएगा। इसीलिए मैं एक भी फेंकने वाली तो हूँ नहीं, क्योंकि वो उसको कब ज़रूरत पड़ जाए और बहुत मेरे को करेगा कि मम्मी आपने ये कलर ज़रूर फेंका होगा, ये वो बहुत मेरे को करेगा। नया ही के लिए बोलेगा कि मेरे को अब नया ही लाना है, पैसे दो, पापा से बोलो कि नया ला के दे, ऐसा करने लग जाएगा। इसीलिए मैं फेंकूंगी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम होता है फेंक दूंगी ना तो मेरे को बहुत डांटेगा। और देखिए कितने सारा युगदीप के पास कलर है, उसके बावजूद भी जैसे कभी उसका बर्थडे हो या कुछ भी हो तो उसको कलर सेट ही चाहिए रहता है, कभी इस वाले कलर, कभी कुछ कलर। और देखिए ये युगदीप का रूम का अलमारी है। हमने यहाँ क्या है ना, पार्टीशन किया हुआ है पूरा, वो था तो हमने इसको प्लाई लगा दिया है, प्लाई बोर्ड, और इसको पार्टीशन कर दिया है। और इसमें हमने ये वॉलपेपर से इसको कवर कर दिया है अच्छे से। और मेरा बेटा को जो भी चीज़ स्कूल में लगती है वो मतलब मैंने इसमें रख दिया है। और इसमें थोड़ा बहुत मेरा भी सामान रखा हुआ है, किचन का गिलास वगैरह, वैसे मेरे को बोलता रहता है इसमें से, मम्मी को इसको आप लोग हटा लो यहाँ से ये। बट मैं अभी क्या है ना फ्रेंड, किचन का मेरे को मेकओवर करना है, मैं अभी कर नहीं पाई हूँ, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि कांच का है ना, तो थोड़ा छोटा वाला बेटा मेरा थोड़ा मस्ती करता है, इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा ऊपर रख के रखा है। और युगदीप का जो भी चीज़ें, हाँ मतलब ज़रूरत का स्कूल में जो भी बनाने वगैरह का रहता है, वो मैं इसी में रख दिया है। और मैं जब अलमारी साफ़ कर रही हूँ ना, तो उसमें से और भी कलर निकल रहे हैं थोड़े वगैरह। युगदीप के टॉय वगैरह रखी हुई है, जैसे वो पियानो वगैरह। क्योंकि सारे चीज़ को मैं क्या है ना फ्रेंड, अपना जब हाथ वहाँ पे चला जाए तो सारे चीज़ क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे ना क्या है ना, अपना एक दिन अगर अपन सोचेंगे कि क्लीन करना है तो हो ही नहीं पाता है। इसी वजह से ना जब भी कभी ना हर कमरे को 5-10 मिनट दे ही देना चाहिए, उससे क्या रहता है कि ज़्यादा रूम गंदा नहीं रहता है, हमेशा वो मतलब साफ़ सुथरा रहते हैं, तो अपन को भी अच्छा लगता है रहने में। क्योंकि बच्चे हैं थोड़े बहुत तो कर देते हैं, बट अपन को थोड़े बहुत अच्छे से रखो तो बहुत अच्छा रहता है। और मैं उसका रूम अलमारी जमा रही थी, तब मैंने देखा कि और भी कलर निकल गए हैं, तो फिर मैंने कलर एक बार सेट कर दिया, फिर मैंने उसको और रखने लग गई अलमारी से, मतलब मिला था उसको, क्योंकि इसमें से मैं एक भी फेंक नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैंने लगा कि जमा देती हूँ, आएगा तो फिर बोलेगा कि मम्मा आपने क्यों फेंक दिया, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा है, उसमें से अगर एक भी हाथ लगा दिया ना तो फिर नहीं, मेरे को आर्यमन ने तोड़ दिया है तो मेरे को नया ही दिलाओ, ऐसा करके वो करने लग जाता है। इसीलिए मैं छोटा वाला बेटा को जो टूटी फूटी रहती है उसी को दे दूंगी, या तो फिर मैं उसके लिए अलग से मंगा देती हूँ, उसको भी बहुत पसंद है छोटा वाला बेटा को भी मेरा कलर, क्योंकि
देखता रहता है कि भैया ड्राइंग कर रहा है, मेरे को हाथ नहीं लगाने दे रहा है। जब भी मेरा बेटा बड़ा वाला ड्राइंग करता है, अपना रूम का कमरा बंद कर लेता है, क्योंकि उसको पता है आर्यमन आएगा और मेरा कलर पूरा फैलाएगा इसी वजह से। अब लोग देखिए युगदीप के पास कितना सारा कलर है, उसके बावजूद भी उसको मतलब कलर चाहिए ही रहता है। कभी भी मॉल वगैरह चले जाते हैं तो उसको कलर ही सबसे पहले वो कलर ही देखता है कि मेरे को कलर लेना है, मेरा कौन सा है नहीं है। पेंसिल वगैरह तो अभी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है उसका, तो पेंसिल वगैरह नहीं लेता है। जब उस छोटा था तो हम उसको मॉल लेके जाते तो उसको सबसे पहले पेंसिल ही उठाना होता था। देखिए मैंने कैसा आइडिया लगाया है, मेरा रबड़ से मैंने इसको बांध दिया है अच्छे से इधर उधर ना हो करके, क्योंकि वो जो डेली यूज का रहता है वो मैं ऐसे ही बांध के रख दिया है। और हाँ फ्रेंड देखिए युगदीप बोलता है कि मेरे पास पेन ही नहीं है मम्मा, पेन ही नहीं है। जब मैंने अलमारी जमाने लगे तब मुझे पता चल रहा है कि कितना सारा अलमारी ये है इसके पास पेन। बेडशीट वगैरह चेंज कर रहे हो और मेरा बेटा उठ गया है और आ गया है कि मम्मा आप क्या कर रहे हो। अभी भी मेरा बेटा को नींद आ रहा है क्योंकि सो के उठाए है, क्योंकि लेट ही उठता है, 8 बजे तक उठता है। ये गद्दा मैंने धूप में डाल दिया था, अब इसको मैं अच्छे से बिछा लूंगी। नाइट में तो युगदीप यहाँ नहीं सोता है, नाइट में हमारे पास ही सोता है, बट हाँ स्कूल से आने के बाद रेस्ट वगैरह यहीं करता है वो। और घर का सारा काम हो गया है, अब मैं बाहर आ गई हूँ गार्डन एरिया में, क्योंकि गार्डन एरिया में आ गए मेरा युगदीप आर्यमन भी आ गया है मेरे पीछे पीछे। वो बोल रहा है कि मम्मा मेरा गाड़ी धो दो ना, मिट्टी हो गया है ऐसा करके बोल रहा है। और यहाँ दीपक में खेलने लग गया है वो, गमलों में भी पानी डालना है क्योंकि अभी बहुत गर्मी पड़ रहा है। बारिश मतलब चले जाने के बाद बहुत ज़्यादा उमस होने लग जाता है, तो पेड़ पौधों को भी थोड़े बहुत पानी तो होना ही चाहिए। गमलों में भी हल्का हल्का पानी डाल दे रही हूँ। और देखिए मेरा गार्डन में भी मुझे पानी डालना है हल्का हल्का, क्योंकि बारिश 3-4 दिन हो गए हैं आए नहीं हैं इसी वजह से। और मेरा बेटा यहाँ क्या कर रहा है, छोटा सा पाइप छेद है उसमें से वो भी बराबर पानी डाल रहा है, मम्मी आप ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो करके। पूरा टाइम मेरे साथ ही रहता है आर्यमन, जब उठ गया उसके बाद मेरे साथ ही रहेगा। अब उसको मैंने बोल दिया कि चलो बेटा पापा जी हैं अब नहाने के लिए चलो, मैं आ रही हूँ नहाने के लिए, तब जाके वो अंदर गया है।
कपड़ा वगैरह निकालो बोला तब। और हाँ फ्रेंड, बहुत तेज धूप है, आप देख सकते हैं सुबह 8 o'clock 9 o'clock हो रहा है और देखिए कितना तेज धूप है। और मुझे ग्रीन तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब मैं शावर लेने का तैयारी चल रहा है क्योंकि मेरा और मेरा बेटा का थोड़ा सा कपड़े वगैरह प्रेस करके कर रही हूँ, क्योंकि प्रेस करके पहनने से ना फ्रेंड कपड़े का ये नहीं रहता है कि मतलब बहुत अच्छा कपड़ा हो, बहुत पुराना हो, बहुत नया हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर अपन प्रेस करके पहन रहे हैं ना तो बहुत ही अच्छा रहता है, अच्छा लुक भी बहुत अच्छा आता है। इसी वजह से मैं ना कपड़ा प्रेस करके पहनती हूँ। और जैसे नाइट होता है तो नाइट में तो आपने देख ही लिया होगा मैं गाउन में ही रहती हूँ, क्योंकि गाउन में ना फ्रेंड बहुत कंफर्टेबल लगता है। और नाइट मतलब नाइट का तो कुछ हो नहीं रहता, बट उसमें काम फिर उसी में हो जाता है। अब मैं नहा के फिर सूट पहन लेती हूँ। और मैं नहा धोवा के आ गई हूँ और मैं चले गई पूजा करने। फ्लावर वगैरह मैं सुबह उठती जब मेरा बेटा को स्कूल बाहर गेट तक छोड़ने जाते तो मैं फ्लावर तोड़ लेती हूँ, क्योंकि यहाँ ना फ्लावर बचते ही नहीं है फूल वगैरह, इसीलिए। और मैं यहाँ रेडी होने आई हूँ तो आरू भी रेडी होने के लिए आ गया है। मम्मी मुझे भी रेडी करो, मुझे भी रेडी करो, ऐसा करके बार बार कर रहा है वो भी। क्या है ना, टेबल में बार बार चढ़ रहा है और गिर जाके देखिए चक्कू भी पकड़ लिया उसने, क्योंकि बच्चे ना समझते नहीं बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ को। हारे हन भी बोल रहा मामा मेरे को लगाओ ना। क्या है ना फ्रेंड, लड़का है ना तो लगा तो कुछ नहीं सकते, बट उसको ना बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों वो इतना पसंद है कि क्या ही बोलूँ मैं उसको। मैंने डाटा चक्कू रख दो तो फिर उसने रख दिया। अब मैं चलती हूँ किचन में फ्रेंड, क्योंकि सुबह क्या हुआ था कि मेरा काम हो गया था सारा, मैंने सब्जी बना लिया था। आज मैंने ज़्यादा युगदीप को लंच में कुछ नहीं दिया है, ये रोट पराठे दिया है और भिंडी की सब्जी दिया है, भिंडी का सब्जी बहुत पसंद है इसी वजह से। और मेरा सब्जी तो तैयार हो गया था सुबह, अब मैंने आ गई हूँ पराठा बनाने, क्योंकि मेरा पराठा बना नहीं है तो मैं पराठा बनाती हूँ। मैं सवेरे रोटी नहीं बनाती हूँ, मेरा बेटा के लिए बस बनाया और मैंने अपने लिए छोड़ दिया था, क्योंकि हस्बैंड भी अभी घर में ही है तो उनके लिए भी खाना बनाना है और मेरे लिए भी, तो इसी कारण हमने गरम गरम खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है इसी वजह से। और हस्बैंड अब को भी मतलब नाइट ड्यूटी चल रहा है तो उनको भी रेस्ट करना रहता है। और हाँ फ्रेंड, आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है
तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए मेरा यहाँ खाना भी बन गया है। और हाँ फ्रेंड, आप लोग भी आइए हमारे साथ खाना खाने के लिए। और बाय बाय फ्रेंड, मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।